गणेश ने देखो क्या ऑर्डर किया। पहला ब्रेक लिया हम लोग ने 240 किलोमीटर बाद, फाइनली वी आर रीच्ड एट अजंता केव्स। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में आपने देखा हम लोग गए थे ताड़ोबा, और वहाँ पे देखा हम लोग ने टाइगर, भालू, हिरन, मोर, बंदर, बहुत कुछ देखा और काफ़ी मज़ा आया। आई होप वो वीडियो देख के आपको भी मज़ा आया रहेगा। और अभी है, मतलब थोड़ी देर पहले ही आया हूँ ताड़ोबा से, लेकिन आपके लिए ये नेक्स्ट वीडियो है। तो अभी हम लोग हमारे होटल से निकल रहे टूवर्ड्स अजंता केव्स के लिए, वो औरंगाबाद के पास है। यहाँ से कुछ अराउंड 500 किलोमीटर है, थोड़ा मुश्किल है 500 किलोमीटर अभी दोपहर को 12 बजे स्टार्ट करना, क्योंकि रात हो जाएगा और रास्ता पता नहीं क्या कैसा है। तो थोड़ा वही हम लोग मुश्किल में है कि अजंता केव्स डायरेक्ट जाएंगे या उसके पहले रुकेंगे। तो जो भी है आपको पता चलेगा, वीडियो देखते रहो। अभी रेडी हो गया हूँ, फटफट जाता हूँ और बाइक पे मिलता हूँ। सो बाइक पे बैठने से पहले हम लोग होटल के नीचे एक वेज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए। मैंने ऑर्डर किया है मेदू वड़ा और इडली, और गणेश ने देखो क्या ऑर्डर किया है। ये एक्चुअली इसको पता नहीं था। ये देखो भाई, ये गणेश है ना, ये चंद्रपुर है, और ये किधर है? अजंता है। हाँ, ये अजंता है। तो इतना आज तेरे को ट्रैवल करने का है? अपने इधर पेपर डोसा बोला ना तो इतना आता है, इतना ये यहाँ पे डायरेक्ट 3 प्लेट भर के दिए। तो निकल चुके हैं चंद्रपुर से, और गूगल मैप बता रहा है कुछ अराउंड 500 किलोमीटर 10 घंटे लगेंगे यहाँ से अजंता केव्स पहुँचने के लिए। तो आई डोंट थिंक ये आज पॉसिबल होगा, लेकिन कोशिश करते, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जहाँ तक होगा वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा टास्क है ये चंद्रपुर सिटी से बाहर निकलने का। लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब आपने देखा रहेगा भाई, इतने हेवी ड्राइवर है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भाई इधर, ये देखो भाई साहब, नशे में हो क्या? फाइनली चंद्रपुर सिटी से बाहर आ गया। अभी ये हाईवे लगा है, हाईवे का नाम कुछ पता नहीं है मुझे कौन सा है, लेकिन ये हाईवे यवतमाल जाता है, इतना वहाँ पे लिखा था। हम लोग का कैसा प्लान फिक्स नहीं है, हम लोग अजंता आज जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ आइडिया नहीं। मतलब ऐसा लगा कि यार बहुत फटीग हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, नींद आ रहा है, तो हम लोग रुक जाएंगे। तो रुकने के लिए कोई अच्छा सिटी लगना चाहिए बीच में, तो इसीलिए ये रूट से जा रहे हैं। तब से चंद्रपुर सिटी छोड़ा है, तब से जो हाईवे लगा है ना भाई, मतलब क्या रास्ता है, ऐसा इतना भी भारी नहीं है। अभी टोटल किलोमीटर है कुछ 370, गूगल मैप बोल रहा है 8 घंटे लगेंगे, लेकिन भाई ऐसा रास्ता रहेगा तो अपन तो 8 घंटे से पहले पहुँच जाएगा भाई, लेकिन रुकेंगे ना बीच में तो वही होगा ये सब। फिर से कोई तो जंगल लगा है, एक जंगल था जो कल के वीडियो में आपने देखा, और ये एक जंगल, भाई जंगल देख के ना अभी फटने लगे मेरी, मतलब वो टाइगर वो सब भालू वालू दिखाया ना, तो अभी ऐसे लग रहा है कि जहाँ पे भी जंगल है वहाँ पे वो मेरे को दिखे जाएंगे आराम से। जब से निकले वो ब्रेकफास्ट करने के बाद, तब से एक बार भी रुके नहीं अभी तक, एक भी स्टॉप नहीं लिया कुछ अराउंड, अब पता नहीं मैप भी मेरा बंद है। 200 किलोमीटर हो जाएंगे शायद। हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी यवतमाल में रुकने का, 27 किलोमीटर है यहाँ से। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यवतमाल पे। दो सौ किलोमीटर हो जाएगा तो हम लोग ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक लेने के लिए हम लोग को अच्छा खासा होटल नहीं मिल रहा था, तो फाइनली अभी एक होटल मिला है और रुके हैं यहाँ पे। और होटल मिला है हम लोग को तकरीबन कुछ 240 किलोमीटर बाद। सो ये पहला ब्रेक लिया है हम लोग ने 240 किलोमीटर बाद का। मैंने मेरे लाइफ में कभी इतना नॉन स्टॉप नहीं चलाया था भाई, जो आज मैंने चलाया, और भाई मज़ा तो आया, दुखरा भी बहुत है। अब थोड़ा कुछ खाता हूँ, चाय पीता हूँ, देन फिर से आपको मिलता हूँ इस पे। अच्छे खासे लंबे ब्रेक के बाद फिर से निकल पड़े हैं हमारे आज की जर्नी के लिए। तो अभी यहाँ से है कुछ 256 किलोमीटर। अचानक से स्पीड अभी कम होने लगा है, हम लोग थके इसके लिए नहीं है, ये स्पीड ब्रेकर। और सामने हमारे सूरज देवता जो एकदम ऐसा आंखों पे आ रहे, आंखों पे। अरे
एक्चुअली अभी सीन ऐसा है ना, कुछ ही टाइम में सनसेट हो ही जाएगा, एटलीस्ट एक आधे घंटे में तो हो ही जाएगा। एक बार अंधेरा हो जाता है ना तो ये स्पीड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हो मेरे सामने समृद्धि हाईवे, जिस पे ये अलाउड नहीं है। काश ये अलाउड होती भाई, सब 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 निकल जाते थे। लेकिन क्या खूबसूरत इधर से दिख रहा है अभी ऊपर से, आई डोंट नो, मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, बट इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर जाएंगे। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो क्या प्यारा खूबसूरत सनसेट हो रहा है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रुके थे, वाइजर चेंज करना था हेलमेट का। जैसे अभी और 170 किलोमीटर बचा है, गूगल मैप बोल रहा है 3 hours 45 minutes 3 hours 45 minutes लगेगा। तो दिस इज द नेक्स्ट डे, और कल रात को ही हम लोग आए चंद्रपुर से अजंता, कुछ अराउंड 500 किलोमीटर का राइड किया और काफ़ी थक गए थे, फिर आके सीधा सो गए और अभी उठ के फ्रेश हो गए और जा रहे हम लोग अजंता केव्स देखने के लिए। यहाँ से कुछ अराउंड 2-2.5 kilometers ही है सिर्फ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैकेट वैकेट नहीं पहन रहे, सिर्फ ऐसे ही एक बाइक पे ही जा रहे। उसके बाद रिटर्न आएंगे और शुरू करेंगे हमारी रिटर्न की जर्नी। फाइनली हम लोग आ गए अजंता केव्स के पास। केव्स के पास नहीं, पार्किंग लॉट में है, क्योंकि अंदर गाड़ी लेके जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे पार्क करके यहाँ से आपको जाना होता है, से अराउंड कुछ 7 kilometers का डिस्टेंस है जो बस से ट्रैवल करना होता है। तो अब चलिए बस की सवारी करते हैं। तो कुछ ऐसा बस है जिसमें जाना होता है। तो ये बस का टिकट है 25 rupees पर पर्सन, अभी हम लोग ने पे किया है 50 rupees। एट अजंता केव्स मेरे पीछे आप देख सकते हो, और अभी यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है। यहीं पे अंदर कहीं तो केव्स है, पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ है और कितना चढ़ना है पता नहीं। तो चलिए देखते, एक्सप्लोर करते। ये है यहाँ का एंट्रेंस गेट, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेक होगा और उसके बाद आपको अंदर जाने के लिए परमिशन देंगे। फाइनली अंदर एंट्री हो गया है, और यहाँ पे आने के बाद ये ऐसा टिकट दिया जाता है, पर पर्सन 40 rupees है, और फिर यहाँ से ऊपर चढ़ के जाना है। अभी पीजस आधा ही चढ़ के हुआ है, हवा निकल गया है, ये सब पिज्ज़ा बर्गर समोसा वड़ा पाव सब बाहर निकल रहे, और आई थिंक ऊपर आ गया हूँ। और ये देखो व्यू, इधर चढ़ते चढ़ते ऐसे हाथ में कुछ नहीं, ऐसी फ़ोन है, हवा निकल गई। वो लोग ने यहाँ पे इतना कैसे बनाया यार, थकते नहीं थे वो लोग। सो ये है केव नंबर 1, और इसके बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब ये एक नंबर पे है तो एक नंबर ही रहेगा। आगे बढ़ते बढ़ते अभी आ गए यहाँ पे, ये केव नंबर 2 है शायद, लेकिन पता नहीं बाहर से ऐसे क्यों बंद है। ये है केव नंबर 4, और यहाँ पे बाहर भी आप देख सकते हो ऐसे ऐसे बनाया है, मतलब वो टाइम पे बनाया लेकिन अभी तक वैसे के वैसे ही है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ है जो टाइम के साथ ख़राब होती जाती है, जैसे कि ये देखो। तो कुछ कुछ चीज़ें है लेकिन फिर भी देखो ना यार क्या एक्यूरेसी है। तो ये देखो भाई कितना बड़ा दरवाज़ा है, भले ये मतलब अभी बनाया रहेगा लेकिन पहले तो बनाया, ये तो ओरिजिनल है, कितना बड़ा है देखो। और ये व्यू देखो यार, दूसरी सदी में बनाया गया, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है इंडियन एंशिएंट आर्ट का, और ये
जब आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा इसमें कुछ इमोशंस है, जैसे कि वो इमोशंस पोज में, फॉर्म में और अलग अलग तरीके से बताए गए यहाँ पे। बस यही था अजंता के उसके बारे में। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो आप में से अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है तो प्लीज़ टाइम निकल के आइए, हम लोग के जैसा घाई घाई में बिल्कुल मत आओ। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, और ये वीडियो बाकी वीडियो से ज़्यादा आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। और ये जो पूरा सीरीज़ है औरंगाबाद, ये ताड़ोबा, लोनार और ये आज का अजंता गिर, ये पूरा सीरीज़ का एक प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, तो ज़रूर देखो और बाकी वीडियोस को भी पैर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।